किसने बड़ी प्यारी दो पंक्तियां कही हैं, पूरा तो मुझे याद नहीं। तैथो मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना। और अगर मांग हो भी, ऐसे तो मांगा जाची समाप्त हो जाती है प्रेम का स्पर्श होते। बिन बोले आ सब किछ जानदा। इसीलिए महाराज ने अरदास नहीं, महाराज ने उसका गुण गाया है। इसलिए महाराज की वाणी याचना नहीं है, ये याचना की वाणी नहीं, ये मांगने के लिए नहीं है। ये तो कृपा के प्रसाद को पा लेने के बाद जो मन में प्रसन्नता हुई है, ये वाणी तो उस प्रसन्नता का उत्सव है, ये प्रसन्नता का अतिरेक है। आप और मैं अपना पाठ भी दोहरा लें एक बार, ये प्रसन्नता का अतिरेक है। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो दिनो मोहि आहे प्यासा, कृपा जल नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम वासा, हुए जाते तेरे नाम वासा। हरि चरण भाव की दृष्टि से इन दो पंक्तियों का चिंतन कर रहा था बहुत दिनों से, इसलिए यही प्रसाद मैंने आपको निवेदन किया। आप देखो जब भंवरा फूल पर बैठता है ना तो हवा चलती है, फूल की पंखुड़ियां हिलती हैं। पर आपने कहां देखा होगा फूल पर बैठा भंवरा? आपके मोबाइल में तो ये सुख है नहीं, आपके पास समय हो तो आप देखें। साधन कैसे हो, भजन कैसे हो, मन को कैसे पवित्रता मिले, आपकी जीवनी शक्ति निचोड़ कर तो कोई और पी रहा है, आपको खबर भी नहीं है कितनी बड़ी हानि हो रही है आपकी, कितनी बड़ी मैली कुचैली हो रही है आपकी चेतना। जो नहीं देखना आपको, आप वो देख रहे हैं। जो आपको नहीं सुनना आप वो सुन रहे हैं, कान से आंख से मुख से। जो आहार आपको नहीं करना चाहिए आप सतत वही आहार कर रहे हैं। कभी परिणाम आएगा इसका, व्यथित हो जाएगा आपका मन, क्षोभ उत्पन्न होगा मन में, विचलित हो जाएंगे आप, विकृत हो जाएंगे आप भीतर से, कभी परिणाम आएगा इसका। समय रहते संभलना अच्छा है। मैं तो बार बार कहता हूं साधक के जीवन में थोड़े से क्षण होने चाहिए जब प्रकृति के पास जाकर बैठे, वृक्ष की छाया में, खिलते हुए फूलों के पास, बहती हुई धारा के पास। प्रकृति बोध देती है, शुद्ध करती है, प्रकृति विश्राम देती है आपको। केवल देखिए प्रकृति की ओर, उस प्रभु की प्रसन्नता ही प्रकृति है, खिलता हुआ फूल उसकी प्रसन्नता ही है। तभी बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा वेख अकल दया अन्या। अरे उसका स्वभाव देखना है तो प्रकृति को देख सीख। कुदरत वेखी फेर भी रब नाम अन्या, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदे, वे तू जहान तो की लेनी तेनु यार चाहिदे। तो बैठता है भंवरा फूल पर, हवा चलती है और भंवरे को हटाने का प्रयास करती है फूल की पंखुड़ियां, पर भंवरे को लोभ है, पुष्प के मकरंद का लोभ है भंवरे को, इसलिए वो हटाए नहीं हटता। इसलिए महाराज ने शब्द प्रयोग किया, लोभित मनो अनदिनो, कि मेरा मन लोभी हो आपके चरण कमल के मकरंद का। आपके चरण मन चरण कमल के मकरंद का लोभी, भमरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। अब कहिए,
हरि चरण कमल मकर। और संत तो ऐसा सिखाते हैं भाई, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आपने एक शब्द सुना होगा, आप लोगों के व्यवहार में आता है, हमारे यहां नहीं होता, आप लोगों के व्यवहार में होता है, जिसको अप्रोच कहते हैं। किसी के पास, बड़े आदमी के पास गए, पूछेगा किसकी अप्रोच से आए हैं आप। तो ऐसे ही किसी किसी के शब्द में बड़ा बल होता है ना भाई, किसी किसी के शब्द में बड़ी ऊर्जा होती है। आप चाहें भी तो बच नहीं सकते आप उसके प्रभाव से। ऐसे ही जब ये शब्द गाए जाते हैं तो उसको कान देना ही पड़ता है, उसको ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि इन शब्दों में सत्य की, प्रेम की, करुणा की, ये करुणा की पुकार है भाई, लोक मंगल की वाणी है, जन जन को, मन मन को गंगा के जैसे निर्मल करने के लिए ये धारा वही है। उसे कान लगा देना पड़ता है, उसे ध्यान देना पड़ता है, सुनना पड़ता है उसे, इसीलिए गवा रहा हूं आपसे। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो, कृपा जल देने योग्य तो नहीं, पर मन कह रहा है कह दूं आपसे, आप जीते रहें और ये भावना आपके हृदय में ऐसे ही बढ़ती रहे, ये सुख आपके जीवन में ऐसे ही बढ़े। Go.
इसी धन्यवाद भरे हृदय से, इसी अहोभाव से अपने गुरु चरणों का, उनकी कृपा दृष्टि का स्मरण करके कहना, चतुर दिशा की हो बल अपनो सिर ऊपर करता रहो, कृपा कटाक्ष दास दुख विदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। भाई जीवन में, जीवन में इसके अतिरिक्त और है ही क्या? बहुत से लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं, बोले हित अम्बरीश जी के पास में कोई जादू है, कोई सिद्धि है, क्या है पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है, कुछ तो है। तो मैं कहता हूं कुछ तो तुम्हारे पास है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। ये उसका गुणगान है, आप लोगों का संग है, प्रभु बार बार कृपा करके ये सुयोग दे देते हैं कि कुछ घड़ियां बैठकर उसका गुण गाने का अवसर मिलता है। यही है, जो है वो यही है। इसलिए आपसे कह रहा था भाई, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। यहीं से आरंभ किया था मैंने भी इस यात्रा का। मेता गोविंद गोपाल गौंदी फिरा, अपने मोहन नु मनोंदी फिरा। ऐसे ही आरंभ किया था मैंने भी, और बस आप सब लोगों के मिलते मिलते चलना आरंभ किया था, और ये चलना कब यात्रा बन गया खबर भी नहीं पड़ी। बड़ी महिमा है, इसी की महिमा है। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। सदा पकड़ो मेरी बाह किते रुल न जावा, सुखा विच पै के तेनु भुल जावा, चरना नल जोड़ो हर जी मैनु अपना जान, स्वासा दी माला सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा वंदा मैं तेरा है कृपा निहार, बन जावा तेरा। अब समझ में आता है क्यों महाराज ने बार बार पूरा गुरु गुरु पूरा कहा, क्योंकि भाई इस दुनिया में, इस संसार में बंदे के बनाए खुदा बहुत मिलते हैं, खुदा के बनाए बंदे बड़े थोड़े हैं, वो बड़े भागी को मिलते हैं। बंदे के बनाए खुदा बहुत है भाई, मैंने कल भी कहा था आप एक गुरु ढूंढो आपको 10 मिलेंगे, पर आप जपे औरा नाम जपावे, जो आपके स्वभाव में नहीं है वो करा दे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं संत के मिलने से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, भजन आपके मेरे स्वभाव में नहीं है, और जो जीवन में आके आपसे मुझसे भजन कराने लगे, ये बहुत बड़ी बात है कि मन में थोड़ा लोभ जगे
मन में थोड़ी लालसा जगे, मन में इच्छा जगे सत्संग की ओर, पग बढ़े आपके, सत्संग की ओर पग बढ़ रहे हैं आपके, ये साधारण बात नहीं है। जब कभी बोध हो जाएगा आपको, जब कभी जग जाएगा आपका विवेक, जब कभी चित्त विक्षेप रहित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी आपकी चेतना, तब कभी आप अनुभव करेंगे कि कितनी बड़ी घटना घटी थी ये। बहुत जन्म बिछड़े थे मानो, तुम्हारे बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। ये मन का मैल नहीं जाएगा, इसके अतिरिक्त नहीं जाएगा। माधव हम ऐसे तू ऐसा, माधव हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, सर्व कला के ज्ञाता, तुम सर्व कला के ज्ञाता। तो ये इस मार्ग पर बाबूजी धीरे चलना और कहीं संभलना कि नहीं संभलना, पर प्यार में जरा संभलना। बड़ा विचित्र रचाए रचने वाले ने संसार, इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था प्रभु तो समझ में आ जाते हैं, संसार की चाल समझ में नहीं आती, इसे समझना बड़ा कठिन है, लगभग लगभग असंभव है। पहली बात तो सत्य कहने वाला नहीं मिलता, मिल भी जाए तो सुनना कौन चाहता है, कौन सुनना चाहता है, कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। प्रकट हो गया ये रस, ये रहस्य। कोई बड़भागी होता है ना, कोई कृपा पात्र ही तो होता है जो आश्रय ले पाता है, जो आधार लेकर अपने जीवन का निर्माण कर पाता है। तो इसीलिए महाराज ने बार बार चेताया कि एक जन्म में न सही फिर किसी जन्म में, पर मिले तो गुरु पूरा मिले, गुरु पूरा, गुरु पूरा जब मिले वही मिले, उसकी दया मेहर हो, उसकी रहमत हो, जब मिले गुरु मिले, कोई और नहीं। तैथो मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल नहीं मंगना, मंगा जे गहरा तो, मंगा जे गहरा तो, तेरा मंगता किन्ने कहना, कहदे नैना तेरे कोल रहना, कहदे सो किन्नू कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे बाजो, तेरे दस
बैठे बैठे मैं तकदीरा असा रब दा मेल कहना कहंदे ने नैणा तेरे कोल रहना कहंदे ने नैणा तेरे बाजो तेरे बाजो दस किनू कहना कहंदे ने नैणा तेरे कोल स्नान कर लिया, इसके पास कुछ देर बैठकर एक झलक मिल जाए आपको सत्य की, चित्त की, आनंद की, उस गुरु की बात महाराज करते हैं। ठीक करे कोल बैठी रहा बैठे बैठे कहता हूं, संत कहे तो कुछ कहेगा, मौन रहे तो सब कुछ कह देगा। मौन की, प्रेम की भाषा मौन है। कभी अवसर मिले तो कुछ देर आपको बस गुरु के पास बैठने को मिले, उसके निकट मौन, उसकी उसके आभा मंडल में। बड़ी युक्तिपूर्ण बात कही, इसीलिए गाई मैंने। न कहना हो न सुनना हो, जी करे कोल बैठी रहा बैठे बैठे मैं तकदीर रहा, जी करे कोल बैठी रहा बैठे बैठे मैं तकदीर रहा, जी करे कोल बैठी रहा बैठे बैठे मैं तकदीर रहा, जी करे कोल बैठी रहा बैठे बैठे मैं तकदीर रहा। मिलना तेरा तेरा मिलना असा रब दा मेल कहना कहंदे ने नैणा तेरे कोल रहना कहंदे ने नैणा तेरे कोल रहना कहंदे तेरे बाजों तेरे बाजों दस सोर किनू कहना कहंदे Thank you.
ਗੰਦਿਆ ਗੰਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਗੰਦਿਆ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਮਾਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਜੋ ਦੱਸ ਸੂਰ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ परिस्थिति में किसी भी परिवेश में हो सकता है गुरु। मैं भक्तमाल का प्रसंग निवेदन कर रहा था, रानी रत्नावती उसकी दासी उसकी परिचर्या करे, हृदय प्रेम से भरा था, प्रेम का अनुभव था, इसलिए जैसे ही मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण किया, हृदय से निकली बात सीधे हृदय तक पहुंचती है। और फिर भक्ति में तो सामर्थ्य है भाई, वो तो सीधे सीधे आत्मा का स्पर्श करती है, सीधे मन बुद्धि चित्त इन समस्त आवरणों को भेदती हुई अगर कोई धारा अगर कोई भावना आपकी आत्मा का स्पर्श करेगी तो वो भक्ति है। इसे भक्ति का पक्षपात ही समझ लीजिए, पर ये स्वयं भगवान ने किया है। कह रघुपति सुन भामिनी माता मानो एक भगति करना मानो एक भक्ति करनाता, आत्मा का स्पर्श करती है भक्ति, जहां तक कभी आप भी नहीं पहुंचे अपने भीतर, जहां कभी आप भी नहीं पहुंचे वहां भक्ति पहुंचती है और आपको भी पहुंचाती है। किसी ने कहा है ना, जिस्म से रूह तक हम उतरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। ये जो धारा है ये उतरती है वहां जहां तक कभी आप भी नहीं गए, आप ही के भीतर। हृदय भरा था कृष्ण प्रेम से। एक दिन रानी का केश संवाहन करते करते बड़े मंद स्वर से गुनगुना रही थी, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, शब्द नहीं थे। मैंने कहा ना एक मृत शब्द होता है, एक शब्द में प्रेम की चेतना होती है, झकझोर देता है वो आपको भीतर तक। आप नहीं रहते, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर, तेरा ही सरूर, पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर, तेरा ही नूर, जदों दा असी तैनू जानिया रंग मानिया वेखे अजब नजारे, मैं ता बस हुन जी नहीं आ तेरे सहारे। इसलिए भाई फिर चेता दूं आपको, यही कलि कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, और जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी, राम सिमर राम सिमर, जहां लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भक्ति भवानी, इबादत कर इबादत दे नल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए किसे दी कल बन दिए, इबादत
आपको आपसे कभी मिलाएगी तो भक्ति मिलाएगी। आप संसार से मिले, जीत ले संसार, तो ध्यान से सुनना, आप मिले संसार से, जीत ले संसार, इसके लिए शक्ति चाहिए। आप स्वयं से मिले, स्वयं को जीत ले, इसके लिए भक्ति चाहिए। आप स्वयं से मिले, इसके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, शक्ति से काम नहीं चलेगा। स्वयं पर शक्ति का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। कभी आप ध्यान देना, आप कितने भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, स्वयं पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे आप, कभी नहीं करना चाहेंगे आप, कर ही नहीं पाएंगे आप। किसी बहुत पहलवान व्यक्ति को भी अपने मुंह पर घूंसा मारते देखा है आपने? नहीं। शक्ति दूसरे के लिए होती है, वो दूसरे तक पहुंचाती है आपको, दूसरे पर विजय शक्ति से मिलती है। पर बहुत छोटा था, स्कूल में प्रार्थना होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। भक्ति ही तो मन की शक्ति है, जिसको जिसको पी कर, जिसको पाकर राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का रे भैया रे, एक बूंद इस रस का। वो जो मन की शक्ति मीरा के पास थी, जिसे आप और मैं भक्ति कह रहे हैं, भक्ति ही मन की शक्ति है और मन की शक्ति का नाम भक्ति ही है। जो आपको आपसे मिलाती है, जो आपकी स्वयं से पहचान कराती है, आपका स्वयं से परिचय कराती है। राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का हो भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी रयो न मन में खटका हो भैया रे, रयो न मन में खटका। गिरधर की दीवानी मीरा लग्यो नाम का चसका, नाम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे कोई पीवे। आप कहो तो मैं गाऊं, मन हो रहा है मेरा। कोई पीवे पीवे कोई पीवे पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान नाम रस। खटका हो भैया रे, ओ नमन में खटका। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा लग्यो नाम का चसका, नाम मदवा पिलाए के मतवारी कर दीनी। कैसा छाप, कैसा तिलक। पर यहां किसी और छाप तिलक की बात हो रही है। छाप अर्थात आपका बड़प्पन। तिलक लगाया जाता है माथे पे, संत की वाणी बड़ी गहन गंभीर होती है। यहां वैष्णव के वेश की अवज्ञा नहीं हो रही। तिलक अर्थात संसार का वो दंभ जो जिसके कारण आप अपना माथा ऊंचा करके चलते हैं,
या उस अहमता और ममता के छूटने की बात है, उस छाप और तिलक की बात है, मैं और मेरा, अहमता और ममता या उसके छूटने की बात है। मैंने कहा प्रेम का कोई लक्षण देह के धरातल पर नहीं घटता। रानी रत्नावती ने दासी के मुख से कृष्ण नाम सुना, सीधे आत्मा का स्पर्श कर गया, उस दासी के मुख से निकला नाम, विवल हो गई, व्याकुल हो गई वो आत्मा, जीव व्याकुल हो गया अपने परम विश्राम तक पहुंचने के लिए। दासी ने बड़ा प्रयास किया, रानी नहीं मानी और अंततः दासी को अपने गुरु के आसन पर बैठाया, उसके चरण पखारे, उसका चरणामृत लिया और दासी के मुख से कृष्ण नाम सुना। तो गुरु किसी भी देश में, किसी भी भेष में होगा भाई, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत, पर महाराज बस उसी गुरु की बात करते हैं जो आप जपे और नाम जपावे। नाम देव रस पिया अनुपम सफल बनाली काया हो भैया रे, सफल बनाली काया। नाम देव रस पिया अनुपम सफल बनाली काया हो भैया रे, सफल बनाली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगत पति को भाया हो भैया, जगत पति पति को आया हो भैया रे, जगतपति को आया। तुलसी सूर फिरे मद माते, तुलसी सूर फिरे मद माते, रोम रोम रस छाया, रोम रोम रस छाया। चलते हैं गोविंद जय जय गोपाल रे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल रे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, नारायण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल रे, गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। विराम का क्षण है, एक बार सब लोग स्वर से स्वर मिलाकर नाम रस मीठा रे, 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 नाम रस मीठा रे।
मेरे नाल है। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल। और कोई शिक्षा, वाणी शिक्षा भी देती है, वाणी दीक्षा भी देती है। कोई शिक्षा अगर वाणी देती है तो वो यही देती है, तुम निधान अटल सुल्तान, जीव जंतु सब भाखे, माधव हम कैसे, तुम निधान अटल सुल्तान, जीव जंतु सब भाखे, जीव जंतु सब कहे नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे, राखो संतन के पाछे। अगर अगर कोई शिक्षा मिल रही है यहाँ से, सार स्वरूप अगर कुछ कुछ सिखा रही है वाणी, तो पहली बात ये सिखाती है, राखो संतन के पाछे, मानो हम ऐसे। यहाँ महाराज निवेदन कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि प्रभु जीव का स्वभाव है भूलना भटकना। जैसे हाथी स्नान करता है फिर धूल डाल लेता है। अब कितने आनंद में बैठे हो आप यहाँ, अब घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं खबर नहीं कैसा हो जाएगा मन, ना हो पर हो ही जाएगा, ऐसा ही तो नहीं रहेगा ना। फिर व्यवहार आएगा, फिर विकार आएगा, फिर वही विचार आएगा संसार का, फिर मन के उसी दर्पण पर धूल पड़ जाएगी। कल भी मैं आपसे कह रहा था, गालिब कहता है ताउम्र गालिब बस भूल ये करता रहा, कि ताउम्र ये गालिब बस भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। फिर मन के दर्पण पर धूल आएगी, मन अशांत किसी और कारण से होगा, आप नींद की गोली खाकर सो जाओगे। अभाव भीतर होगा, आप बाहर पूरा करने का प्रयास करते रहोगे। सहजो भाई कहती है ना, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो, ढुर ढुर जाऊं। पहले कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, आप शूकर को गंदी नाली से निकालकर और बढ़िया बिछौने पर बैठा दो, जैसे ही उसको अवसर मिलेगा वो उसी गंदगी में जाकर बैठेगा, सुख पाएगा। बिल्कुल ऐसी दशा जीव की है, प्रभु कृपा करके कर पकड़ के बैठाते हैं संत चरण में, फिर भागता है जीव उसी संसार की ओर। आप तो बड़े अच्छे हो, समय तक बैठे रहते हो, नहीं तो कैसे भागते हैं यहां से। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, पहले ही स्वीकार करते हैं, माधो हम ऐसे, तू ऐसा। सच्चे दरबार में सच्चे होकर खड़े हो रहे हैं, उस सच्चे साहिब के सामने, उस सच्चे साईं के सामने जीव सच्चा होके जाता नहीं, तभी खाली लौट आता है। महाराज सच्चे होकर खड़े होते हैं, माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम ले तुम उजज करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूरख तुम चतुर सयाने, सर्व कला
स्वीकार करके स्वीकृति। एक बात आपको बताऊं, कभी अनुभव करना आप, जिस घड़ी आप अपना दोष स्वीकार कर लेते हो ना, मन हल्का हो जाता है। मन को स्नान कराने की विधियां हैं, क्षमा मन का स्नान है, मांग भी लेना दे भी देना, ये मन का स्नान है, ये मन को पवित्र करता है। जब आप उसके दरबार में सच्चे होकर खड़े हो जाते हैं कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, और सूरदास की सबै अविद्या बेग हरो नंदलाल, उसकी एक कृपा भरी दृष्टि आपके रोम रोम को पवित्र कर देती है, निर्मल कर देती है, पावन कर देती है। समरथ स्वामी, मीरा कहती है, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी बेड़ा पार लगा जियो जी, मैं तो थारी औगुण दासी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। गुरु हो और गुरु के जीवन में आते ही सुमिरन सरस हो जाए। यहां से आज चर्चा में प्रवेश किया था आपने, मैंने, कि गुरु के आने से पहले भी सुमिरन है, लेकिन गुरु के आने के बाद सुमिरन सरस हो गया है। अब केवल नाम नहीं है, नाम की खुमारी भी है। ऐसा गुरु हो और ऐसा सुमिरन कराए। साध संग का लोभ बढ़े, अभी मुझसे किसी ने पूछा, आज तो बड़ी लंबी क्लास लगती वैसे मेरी, मैंने सवाल जवाब छुए ही नहीं। हाँ, आपने यहां लिखा कि आप समय कम ना करें, मैंने समय कम नहीं किया, आपका भाव बढ़ गया है, सुनने का जो भाव है वो बढ़ गया है, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं तो उतना ही समय बोल रहा हूं, अच्छी बात है, इसी के लिए सत्संग है कि सुनते सुनते सुनने का लोभ बढ़ता चले। और ये प्रार्थना किसी दिन उतर जाए जीवन में, रम जाए ये भावना। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोही भाव। महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं।